उत्तराखंड की नारी सब पे भारी कहते हैं, चाहे ना बरसात रोक सकती है ना धूप रोक सकती है। तो मात्र ऐसा खेत मुझे दिखाया गोलू चाचा लोगों का, जहाँ की रखा है वो निकालेगी मम्मी मेरी बड्डी के खेत को देखने के। बड्डी ने स्पेशली बोला था कि खेत। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से। अगर बाहर की बात करें तो कल रात से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। और अभी तक तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, पर अब काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है और बाहर लगातार बारिश लगी जा रही है। और यहाँ पे मेरी मम्मी नाश्ता बना रही है। तो आज के नाश्ते में मेरी मम्मी बना रही है आलू के पराठे, और वो भी चूल्हे पे। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है, तो अभी हमारा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है। तो आज के नाश्ते में है गर्मा गर्म आलू के पराठे। अमन जा रखा है वीडियो अपलोड करने, तो उसको आने में अभी टाइम लगेगा। मेरे को भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ अपने घर में। अभी अमन भी आ गया है वीडियो अपलोड करने से, और मेरी मम्मी ने यहाँ पे जला हुआ पराठा बनाया था। जैसे ही मैंने कैमरा खोला, वैसे मेरी मम्मी ने वो पराठा पलट दिया कि जले हुए पराठे मत दिखा बल। तो हमें तो जले हुए पराठे टेस्टी नहीं लगते हैं, पर मेरी मम्मी को बल टेस्टी लगते हैं। तो ये बना रखे हैं मेरी मम्मी ने अमन के लिए टेस्टी टेस्टी पराठे। और अभी लगभग हमारे घर के सारे काम हो गए हैं और बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही है। तो अभी मम्मी को जाना है खेत, तो मैं घर पे बोर हो रही थी, सोचा चलो मम्मी के साथ घूम आती हूँ। तो अब मम्मी की और मेरी तैयारी हो गई है खेतों में जाने की। तो आजकल हमारे यहाँ कद्दू की बेल पे भी फूल लग गए हैं और कुछ टाइम के बाद इसमें कद्दू लगने भी शुरू हो जाएंगे। तो रोज हम जाते थे गाँव के रास्ते, तो आज हम अपने घर के नीचे वाले रास्ते जा रहे हैं खेतों में। और जब धूप होती है तब यहाँ डर होता है सांप का, और जब बारिश होती है तब यहाँ डर होता है जोंक का। तो कुछ टाइम पहले चाची के साथ हमने यहाँ गोभी लगाई थी, तो अब वो गोभी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो गई है। तो कुछ टाइम पहले हमारे अनार के पेड़ लगे थे, तो इसमें काफ़ी अच्छे अनार भी हो रखे हैं। और अभी हम आ गए हैं मेरी बड्डी के खेत को देखने के लिए। तो जब मेरी बड्डी होती थी, तो मेरी बड्डी ने यहाँ पे सारी सब्जी, खीरा, ककड़ी सब कुछ मेरी बड्डी ने इसी खेत में बोया रहता था। इनके पास ही खेत है, उन्होंने भी यहाँ पे मिर्च वगैरह, पत्ता गोभी और उधर साइड मंडवा और मक्की बोई है, और साथ में इधर साइड खीरा ककड़ी भी बोई है। और यहाँ अभी किसी की सब्जी नहीं हुई है। अगर मेरी बड्डी होती तो मेरी बड्डी की लगभग अभी सारी सब्जी हो जाती, और खीरा और ककड़ी तो इतनी हो जाती कि खा खा के हम अभी तक थक चुके होते हैं। तो बड्डी का खेत देखने के बाद अभी फिर से हम जा रहे हैं अपने खेत में। और कुछ टाइम पहले जब मैं खेतों में आई थी, तो कीवी बहुत छोटी छोटी थी, तो अब कीवी भी काफी बड़ी हो गई है, और महीने बाद ये भी पक के चली जाएगी यहाँ से देहरादून। जब भी बारिश होती है तो पानी का बहाव तेज होता है, जिसकी वजह से हमारी नहर में जो पानी आता है वो बह जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बारिश होती है तब इनके ऊपर फिसलने का डर होता है। और कुछ समय पहले हमारे यहाँ रोपाई लगाई थी, जो काफ़ी अच्छी तरह से अब धान की पौध हो गई है। बहुत सारे लोग अपने खेतों में धान की निलाई गुड़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी मम्मी आई है अपने इस वाले खेत में, और हमारे इस वाले खेत से हमारे गाँव का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है। पूरा मार्केट और पूरा गाँव दिखता है यहाँ से। तो सबसे पहले मम्मी जो थोड़ा बहुत बचा कुचा पानी है वो लगा रही है खेत में, और उसके बाद जो इस खेत में बीच बीच में घास हो रखा है वो निकालेगी मम्मी। तो जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा खोदा जाता है, और बीच में जो कबाड़ा है वो निकाला जाता है। तो इसी तरीके से होती है खेतों में धान की निलाई गुड़ाई। मेरी मम्मी ने लगभग इस पूरे खेत की सफाई कर दी है, तो अब मम्मी जा रही है दूसरे खेत में। मेरी मम्मी पहले से ही बहुत किसान है, और ये करना बहुत आसान होता है। तो एक ही दिन में पहले भी मेरी मम्मी हमारे लगभग पूरे खेत की निलाई गुड़ाई कर देती थी, और अभी भी। और एक खेत हमारा यहाँ है और दूसरा खेत है उस धार के पास। तो अभी दादी भी आ गई है अपने खेतों में निलाई गुड़ाई करने के लिए। तो एकमात्र ऐसा खेत मुझे दिखाया गोलू चाचा लोगों का, जहाँ की सब्जी लग गई है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शिमला मिर्च भी हो रखी है, और मेरी दादी को टाइम ही नहीं। मेरी दादी आजकल लगी हुई है खेतों के काम में, तो यहाँ पे शिमला मिर्च, भिंडी वगैरह सब हो रखी है। तो आज बोलूँगी मैं चाचा को कि नीचे खेत में जाओ और सब्जी लेके आओ अपनी। तो
कल ही मेरी बड्डी राजस्थान से आई और आज मेरी बड्डी नीचे खेतों में निलाई गुड़ाई करने आ गई और अभी मम्मी जा रही है यहाँ से हमारे नीचे वाले खेत। इधर साइड जो हमारे खेत हैं, एक खेत हमारा ये है जो कि मेरी चाची लोगों के हिस्से में है और ये वाला खेत है टिंगू की मम्मी के पास और हमारे हिस्से का जो खेत है वो इसके बगल वाला जो खेत है वो है हमारे हिस्से का। तो यहाँ तक ये खेत मेरी चाची लोगों का है और यहाँ से शुरू होता है फिर हमारा खेत। तो यहाँ एक खेत हमारा ये है और दूसरा खेत हमारा ये है और नीचे मेरी बड्डी भी लगी हुई है खेतों की निलाई गुड़ाई करने पे। ये दोनों खेत हमारे जितने बड़े हैं उतना ही मुश्किल होता है यहाँ पे पानी लाना। तो जब हम छोटे छोटे थे तो हम पांचों भाई बहन यहाँ से हमारे खेत में पानी जाता था तो इस पत्थर के ऊपर लगे रहते थे खेलने में। बचपन की इन खेतों की हमारी बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं और जो कि मेरी बहन काफ़ी टाइम बाद इन खेतों में आई थी इसने यहाँ, तो उसने भी बोला था कि दीदी जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो इस पत्थर के ऊपर तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे गाली पड़े, चाहे कुछ भी हो, इस पत्थर के ऊपर हमने खेलना ही खेलना था। तो अभी मम्मी नीचे चली गई है नीचे वाले खेत की निलाई गुड़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मम्मी इसमें भी पानी देख रही है। तो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने खेतों की निलाई गुड़ाई कर दी है और जिन्होंने नहीं करी है वो मेरी मम्मी की तरह अब आ रहे हैं। तो उत्तराखंड की नारी सब पे भारी कहते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपने खेतों का काम करना ही होता है। खेत पशु वगैरह का काम करने से उन्हें ना बरसात रोक सकती है ना धूप रोक सकती है। अभी मेरी मम्मी भी शुरू हो गई है। और सुबह से बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सड़क का काम रुक रखा था, तो अभी लगभग बारिश थोड़ा सा रुक गई है। तो अभी भाई लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया है सड़क बनाने का काम। और जब भी रुपाई होती है उसके बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो इस हरियाली को देख के आजकल काफी अच्छा लग रहा है। और थोड़े टाइम के बाद मेरी मम्मी का अभी यहाँ भी काम खत्म हो गया है और बाकी अगर थोड़ा बहुत काम रह रखा होगा तो वो करेंगे जिनके पास हमारे खेत हैं। और थोड़ा बहुत खेतों का काम करने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर। इधर है मेरी बड्डी का नींबू का बगीचा जो कि हमने कुछ टाइम पहले इसमें नींबू के पेड़ लगाए थे जो कि अब काफी बड़े हो चुके हैं। और मेरी बड्डी ने स्पेशली फोन करके मुझे बोला था कि जब भी खेतों में जाएगी तो मुझे मेरे खेत दिखाना, क्योंकि मेरी बड्डी को अब अपने खेतों की याद आती है। जितने भी लोग शहरों में है सभी लोगों को अपने खेतों की याद आती है, तो आजकल मेरी बड्डी भी वही दौर जी रही है। वो लोग भी सबसे पहले सुबह उठ के मेरा ब्लॉग देखते हैं और मेरा ब्लॉग देखते देखते नाश्ता करते हैं। तो आज बड्डी ने स्पेशली बोला था कि खेत जाएगी तो मेरे खेत भी दिखा देना। इसी के साथ तीन खेत हमारे ये हैं, तो इसमें हमारे खेत वालों ने मेरी मम्मी के पसंद का मंडवा बोया है और यहाँ से भी सभी लोग जा रखे हैं आज खेतों में क्योंकि आज धूप नहीं है। और शौर्य और नबू जा रखा है स्कूल। और अभी हम पहुंच गए हैं घर और घर में है अमन महाराज, उसकी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। और अभी हमारा दिन का खाना भी बन गया है, तो आज हमारे दिन के खाने में बन रखी है आलू की थिचाड़ी और उसी के साथ है चावल। तो अमन मार्केट जा रखा है और मम्मी को नहीं खाना है, तो अभी भी खाना खाने वाली मैं अकेली हूँ। अभी लगभग शाम हो गई है तो अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो आज मैं आ गई हूँ टिंगू लोगों के यहाँ और यहाँ पे मेरी बड्डी लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं और यहाँ पे शौर्य लगा हुआ है सिर्फ अपने लिए चाय बनाने पे। तो अभी चाय पीने यहाँ पे आ गया है, वहाँ ये चाय नहीं पी रहा है, वहाँ चाय पिएगा तो सबको देना पड़ेगा है ना, इसे सेपरेट में आके चाय पी रहा है। तक हम बैठे थे सौरे लोगों के घर पे पर अब हम आ गए हैं हमारे घर पे और यहाँ पे अमन लगा हुआ है शुभम के साथ वीडियो कॉल करने पे। और काफी दिनों के बाद आज सौरे और मैं जा रहे हैं बाजार। क्यों जा रहे हैं? मुझे क्या होगा पता, मेरे तो रूबे नहीं आ पे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं घर के सामान के लिए और कल से हमारे यहाँ मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ी देर दिन में बारिश रुकी और अभी फिर से बारिश होने लग गई है और सामान हमने अभी लिया नहीं, पर इसको खाने हैं मोमो। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ इसको मोमोज खिलाने के लिए। अभी हम मार्केट से घर आ गए हैं, तो यहाँ पे मेरी मम्मी जा रखी थी जंगल और मेरी मम्मी पे लग गई है। जैसे ही बरसात आती है वैसे ही जोंक का सीजन शुरू हो जाता है, तो इतनी भयंकर बड़ी जोंक लग रखी थी मेरी मम्मी पे। और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो अब मुझे जाना है माता रानी के मंदिर में दिया देने के लिए। और अभी लगभग मैं माता रानी के मंदिर से दिया देके भी आ गई हूँ, तो अब हम बना रहे हैं खाना। तो मम्मी जलाने लगी है आग पर, सब्जी मैंने चढ़ा दी है। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं लेकर भावना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।